ये क्या चीज है? तो जोगिनी फॉल्स के रिफ्रेशिंग ट्रैक के बाद अब टाइम था कुछ खाने का और खुद को रिचार्ज करने का। तो कांशु कहाँ चले आप? मम्मी क्या हुआ, डर गई? चिल्लाते नहीं है यार। कांशु कहाँ चली गई? भूख लग रही है। तो उसके लिए हम लोग गए ओल्ड मनाली के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैफे में। और ये हमारी मनाली की लास्ट नाइट है और हम लोग आए हैं कैफे लेजी डॉग। बहुत सही व्यू है इस कैफे का, दिख नहीं रहा, बात अलग है, प्यास भी बची हुई है। बहुत सही सीट मिली हमें, कॉर्नर सीट है ना, है ना। लोगों को बोलते हैं नेविगेट किया भी है। हम मनाली से जा रहे हैं, हम मनाली में आ रहे हैं, मनाली से जा रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे अब पक्का जा रहे हैं, ठीक है ना। लेजी डॉग में खाने के बाद हमने 2-3 घंटे की नींद ली और हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन तीर्थन वैली के लिए। इतनी सारी बकरियां यार, देखो तीसरी बार आ रही हैं। सही है, रात को निकली हुई हैं आराम से। एक बंदा लेके निकला हुआ इनको। एक बंदा नहीं, आगे दो बंदे और हैं और दो कुत्ते, ये रहे एक कुत्ता, ये रहा आगे, दो कुत्ते होंगे, स्क्वाड है पूरा। वो देख, कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और मुझे कोई जल्दी नहीं होती इनके साथ निकलने की, ये पहाड़ों की ब्यूटी होती है यार। सो मनाली से दिल्ली आते हुए हम और टनल से राइट लेते हैं, लेकिन तीर्थन वैली के लिए और टनल से लेफ्ट लेना पड़ता है। और इसी सेम रास्ते से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी आता है। और क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो हम लोगों ने बंजार टाउन से थोड़ा सा पहले एक होटल रूम लेके सोने का डिसीजन लिया। और 7 घंटे की बहुत बढ़िया नींद लेने के बाद हम निकले चैनी विलेज के लिए, जो कि बंजार टाउन से लगभग 1/2 घंटे के ड्राइव पे है। भाई पहाड़ों में आओ तो गूगल मैप पे ट्रस्ट ना करके ना किसी लोकल से मैप पूरा बनवा लो, बहुत बेटर रहता है। गूगल ने बहुत बार हमारे ना प्लान की हिस्से से करी है, तो पहाड़ों में काम नहीं करता। वैसे तो ठीक है सिटीज़ के लिए, बट इट वर्क्स हियर। भाई साहब यहाँ से निकालना तो टास्क है बहुत बड़ा। तीर्थन वैली में बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर करने के लिए, बट हम आपको बताते हैं कि हमने चैनी विलेज ही क्यों चूज किया। सो पहला रीजन है चैनी विलेज की हिस्ट्री, जो कि 1500 से 2000 साल पुरानी है। एंड द सेकंड रीजन इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड चैनी कोठी, विच इज द टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग मैनमेड स्ट्रक्चर इन द वेस्टर्न हिमालयस, जो कि 17th सेंचुरी में बनाया गया था। और ये बना यहाँ के लोकल स्टोन्स और देवदार वुड से। 2 महीने पहले तक कोई भी गाड़ी मैक्सिमम श्रृंगा ऋषि टेम्पल तक ही जा सकती थी, और उसके बाद चैनी विलेज के लिए 1 घंटे का ट्रैक था। लेकिन अभी 2 महीने पहले यहाँ पर एक नई रोड कटी है जो चैनी विलेज तक जाती है, जिसकी वजह से चैनी कोठी का ट्रैक अब घट के सिर्फ 10 मिनट का रह गया। देख रहे हैं वो बम्पर टच होगा यहाँ पर? होगा तो फिर होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि ये रोड अभी ही कटी थी, सो वी डिड नॉट एक्सपेक्ट अ कम्फर्टेबल ड्राइव। लेकिन हमने जितना एक्सपेक्ट किया था, रास्ते उससे भी कई गुना ज्यादा खराब थे, और हम जितने ऊपर चढ़ते गए रास्ता उतना ही चैलेंजिंग होता गया। ये रास्ते वैसे तो मोटरेबल हैं, लेकिन ओनली विद अ कार विद अ गुड ग्राउंड क्लियरेंस। और एक होंडा सिविक जैसी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार तो बिल्कुल मत लाना, वरना रिजल्ट आपके सामने ही है। मेरे ख्याल से इसके बाद ठीक है। ओ बोलते ही। और जैसे ही हमें लगा कि हमने डिफिकल्ट पार्ट कवर कर लिया है और हम पहुंचने ही वाले हैं, उतने में ही ये हो गया। निकल गया सारा काम, हो गया। बम्पर निकला ये। क्या चीज है जो उसके अंदर आ गई, ये समझ नहीं आ रही। आगे लेना पड़ेगा। हाँ? आगे लेनी पड़ेगी। पता नहीं यार, ये क्या चीज है जो टूट गई है। ये क्या था? मैं बैक लूंगा। हाँ। फिर पता लगेगा क्या चीज निकली है, ये क्या है, क्या ये। हाँ भाई रास्ता तो बहुत खराब है यहाँ पे, कुछ गाड़ी का कुछ डैमेज तो हुआ है। बाकी एक मैं बैक करता हूँ, कुछ बताइए फिर, ठीक है ना, क्या चीज थी। पीछे लेना, पीछे ले। हाँ 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 ले ले ले।
रुक 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 रुक। ये क्या चीज है? बस ये जरूरी चीज ना हो। हमारी गाड़ी बिल्कुल चैनी विलेज पहुंचते ही अटक गई और दूर से ही लोकल विलेजर्स हमें फंसा हुआ देखकर अपने आप हेल्प के लिए आ गए एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प अस विदाउट इवन आस्किंग फॉर द हेल्प। अब चला बैग थोड़ा सा रह गया है, पहुंचते हैं ऊपर, कोई मैकेनिक को बुलाएंगे फिर देखते हैं। बैठिए।